अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज से शूट का सफ़र शुरू हो गया और मैं शूट पे जा रही हूँ। थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ, बिकॉज़ 2 महीने के बाद मेरा शूट दोबारा शुरू हो रहा है। और जब इतने टाइम के बाद, इतने गैप के बाद शूट शुरू होता है तो वो दिन मेरा थोड़ा सा ना वो हो जाता है, लाइक लेज़ी भी हो जाता है। दोपहर के बाद मैं थक जाती हूँ। तो मैंने आज सबको बोला हुआ है मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी देर के बाद दोबारा शूट शुरू कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा तंग नहीं करना। तो चलें साथ रहिए, आप लोगों को अभी शूट पे सबसे मिलवाती हूँ। सारे एक्टर तो नहीं आए होंगे, मुझे नहीं पता, मैं खुद ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ, क्योंकि सारे कपड़े इस वक्त गाड़ी लदी पड़ी है। पीछे ट्रंक क्या, आगे सीट क्या, पीछे क्या, सब लदा पड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, और पीछे ट्रंक भी भरा हुआ है। तो सारे कपड़े, सारे जूते, सारे बैग, सारी ज्वेलरी, सब 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 सब, क्योंकि अब अभी हम लंबा स्पेल करने वाले हैं। बहुत जल्द ड्रामा ऑन एयर होने वाला है, जिसकी वजह से हमें अब जल्दी शूट को पैक करना है। सॉरी ब्रदर, आपको इतना सामान ऊपर से नीचे लाना पड़ा और आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई सुबह है ना। अच्छी बात है ना, सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाना वैसे तो कभी है ना। इज वेरी नाइस गाय, और इन्होंने चू तक नहीं की, 6 बार ऊपर नीचे है। और पता है फ्लोर की सीढ़ियां भी इतनी ज्यादा है कि बेचारे को लग पता ही है। चलें खैर, कोई बात नहीं, ये तो काम का हिस्सा है ना। आज मेरे साथ मेरे असिस्टेंट्स नहीं है, वो सब लोग अभी पंजाब गए हुए हैं और वापस अभी तक नहीं आए। रात मेरी बल्कि इतनी बहस हुई, तुम लोग वापस क्यों नहीं आए, तो बस 1-2 दिन में वो लोग वापस आ जाएंगे, तो फिर ये सब नहीं होगा। ब्रदर, आपसे शुरू करते हैं, ईद मुबारक। थैंक यू। तो मैंने सोचा इतने दिनों के बाद मैं शूट पे जा रही हूँ, तो मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ। तो मेरे पास जो था तबर्रुक, जो मैं कर सकती हूँ, मैं वो मैं सबको ईदी के तौर पे दूंगी। अगर सेट पे होती तो फिर ईदी देती। और वैसे तो मैंने सबको सबका हिस्सा भिजवाया हुआ है, मैं किसी इंसान को नहीं भूलती। साल में जिस इंसान के साथ मैं काम कर लेती हूँ और वो चाहे साल में पहली बार मेरे सामने आया हो या आई हो, वो मुझे याद रह जाते हैं। तो मैं बकायदा लिस्ट के मुताबिक फिर चलती हूँ। तो जो रह गए होंगे और जिनके साथ मैंने आज मिलना है, बेशक मैंने उनको तबरुक भिजवाया भी हुआ है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं उम्रे के बाद फर्स्ट टाइम सबसे मिल रही हूँ, तो सबका मुँह मीठा करवाऊँ। ये दरवाज़ा खोल के मैं अंदर जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दूसरा दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद है क्या? अच्छा, ये खोल दीजिएगा दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये पकड़िए। हेलो, हाउ आर यू? मेरी ईद अच्छी गई। ये ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं आपको बहुत पसंद हूं, पक्की बात है। चले जी, ये भी आप ही लीजिए ना। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और ठीक ठाक है? आपको उम्र मुबारक हो। मैंने सोचा खाली खाद क्या जाना,
सनम आई हुई है। अच्छा ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इब्न मुबारक, इब्न मुबारक। जी प्लीज ज्यादा लीजिए, एक क्यों ज्यादा लीजिए, ले लीजिए ले लीजिए, आप चिंता करना। हाँ, I did it. Yes. तो साइमा नहीं आई? क्यों? अच्छा कौन है? अच्छा मेरी फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हो रही है ना? लाइफ ऑन कीजिए, कब काम किया था हमने? मतलब बात किया था हमने? अच्छा तो मेकअप चेंज, सब चेंज, दो महीने के बाद आएंगे तो सब चेंज। शुक्र है, शुक्र है डायरेक्टर भी चेंज हुए। अच्छा मेकअप शुरू करें तो आज अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये छोटा सा मेरे छोटा सा ब्लॉग था, बाकी मजीद आप लोगों को मैं इस शूट की BTS इस शूट को करते हुए सीन्स बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाऊंगी। और बहुत आला ड्रामा है, ऑनियर होने वाला होगा, जरूर बताऊंगी। साथ साथ ईद मुबारक, किसने दी आपको? अरे तुमने नहीं खाई? मैंने भी ले लो ना। नहीं मैंने भी खा ली। अच्छा ये हमारे मास्टर साहब हैं, जिस सेट पे ये होते हैं ना हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, हमें किसी चीज की देखभाल नहीं करनी पड़ती, हमें ये खतरा नहीं होता कि कपड़े जल जाएंगे क्योंकि कपड़े कीमती होते हैं। और इनके सेट पे मतलब हमारे सेट पे जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे कपड़ा आज तक नहीं जला, ये रिकॉर्ड है। थैंक यू मास्टर साहब, नहीं आपका शुक्रिया, मैं सबके सामने मास्टर साहब का थैंक यू बोलती हूँ कि इन्होंने हमेशा हमारी कीमती चीजों को कीमती ही समझा है और उनकी देखभाल की है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो डॉलर बन चुके हो तो काम करें। डॉलर ही डॉलर आपका चेंज हुआ है ना, तो रॉड चेंज हो गया है ना, तो बालों का कोई नहीं आएगा, तो इतने लंबी पंचायतों में जाने से बेहतर है कि आप मेरे घर से रॉड मंगवा। राइडर भेजे, राइडर भेजे, अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ। ठीक है जी जी जी, भेजिए भेजिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। उबैद भाई कहाँ गए? उबैद मेरे ख्याल बाहर गया है। उबैद भाई कहाँ गए? बाहर है। आप भी ले लीजिए, ईद मुबारक। ईद मुबारक, कैसी लगी आपको? पक्की बात है सबने खाई, सबको पसंद आई है ना? ये हमारे उबैद भाई हैं, इनकी वजह से भी शूट पे कभी कोई मैस नहीं होता क्योंकि ये हमेशा चीज़ों को बहुत सुपर डुपर प्लान रखते हैं। और इनके साथ रहते हुए कभी रिफ्रेशमेंट खाना पीना ये वो कभी कोई मसला नहीं होता। चलिए जी आ जाइए। और कौन रह गया है? माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन रह गया है? जो रह गया प्लीज आओ बेटा आओ। चाचू शर्माओ नहीं, इसको करो आप। तो ये लेना आपका ज्यादा, बाकी सबको मिल गए। सुक्री सुक्री, यस मैंने नहीं ली। ले लीजिए ले। और कोई रह गया है? सुक्री मेरी फेवरेट है ना। चले आई एम सो हैप्पी।
कि मेरी लाइफ में खजूर सबको पसंद आए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मेरे चैनल्स को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आज डॉक्टर साहब की आवाज आ जाए, अल्लाह कैमरा मत करो, रोल करेंगे तो मैं कैमरा मैन बन जाऊं। जी सर, मेरी आवाज इसके लिए आएगी कि माशाल्लाह मैंने आपके ही 5 खजूरें खाई हैं और 10 पैक करवाए हैं। लिहाजा एक और खाओ। ये लीजिए। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बाय बाय बोलेंगे, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, हमारा ये सिस्टम चलता ही रहेगा। आप दिखाइए, ले लीजिए, देख के गिनना जाओ। नहीं गिनते, और कौन है, कोई भी नहीं, सब हो गए। चले, जिसने खानी हुई रखी हुई है, और अभी तक मैंने खुद नहीं खाई, मैं लंच के बाद खाऊंगी। इन तक पहुंचते पहुंचते ये माशाल्लाह। अच्छा, एक बीच भी है इसके अंदर। ये फिर भी थैंक यू, ये मदीना की है। थैंक यू बाय द वे, मुझे पहुंच गई। सीरियसली? जी चलो। और मैंने खा भी नहीं। थैंक यू। मैंने क्रीम के साथ खाया। आपने बहुत मिल्क पैक। ओह माय गॉड। और बादाम भी ऐड किया साथ? नहीं, बादाम भी ऐड कर दिया ना, ये डाल के ना गुटली क्रीम भर भर के डाल। बहुत अच्छा है। आ जा, बस काम पूरा हो गया, जाओ बेटा। सर, ओ ये किसने सारी खत्म कर दी? सारी थी कितनी? 4 या 4? अरे यार, सर के लिए भी एक रखनी थी। चार ये डब्बा लाई, डब्बा लाई थी। सर, आपने पहुंचने तक ये सब खत्म हो गया। डिब्बे के अंदर आ गए 4 चीजें। खुद आवे चाहिए, आपने खाई होंगी, आपने खाई होगी। सर, 4 बजे का डब्बा भरा हुआ, गुटलियों से अंदाजा लगा। सर, ये आखिरी आप रह गए थे, और ये देखें, नहीं सर, नहीं, ये डब्बा भरा हुआ था, आखिरी आप रह गए थे सुबह। ये डब्बा थोड़ा सा उतार में कर जाता। अरे वो तो एंड में रह गई थी ना। सर, आप आखिरी रह गए थे, मैं क्या करूं? सर, मैं कल लेके आऊंगी। सर मैं लेके आऊंगी, और इन किसी को नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपको। बस ठीक, जोर आपने खाई है ना, 5 निकाल के।